चलिए आज हम लोग इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले वन डिजिट एंड टू डिजिट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसको किसको पता है और अगर नहीं पता है तो हम एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। वन डिजिट मतलब होता है वो नंबर्स जो सिंगल डिजिट से बना हो, जिसमें एक ही ठो डिजिट हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि 0 से लेकर 9 तक नंबर जो है वो वन डिजिट में आता है। और टू डिजिट में वो नंबर्स जो दो डिजिट को मिलाकर बना हुआ हो उसको हम लोग टू डिजिट नंबर बोलेंगे, जैसे कि 10, 11, 12, 13, यहाँ से लेके पूरा 99 तक सारा का सारा जो है टू डिजिट नंबर होता है, क्योंकि उसमें दो ठो डिजिट है। अगर 10 को लेते हैं तो 1 और 0 दो ठो डिजिट है, दोनों को मिलाकर बन गया एक नंबर जो कि 10 है। उसी तरह 11 में भी उसी तरह पूरा 99 तक टू डिजिट नंबर होता है। अब आते हैं हम लोग के टॉपिक पे, इवन नंबर्स। क्या होता है इवन? एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई टू इज एन इवन नंबर। मतलब कि वो सारा नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए सभी नंबर को बोलेंगे हम लोग इवन नंबर्स। जितना नंबर है सब अगर टू से डिवाइड हो जाए एकदम एग्जैक्टली, मतलब कि रिमाइंडर जो है ज़ीरो बचना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नंबर इवन नंबर है? तो लास्ट डिजिट जो होगा उस नंबर का वो 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों नंबर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर इवन नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो उसका लास्ट डिजिट जो है उसको जाके देखो, वो 0, 2, 4, 6 या 8, यही पांचों होगा। आई थिंक लास्ट डिजिट मतलब तो पता ही होगा, जैसे कि अगर हम लोग 38 को लेते हैं तो उसमें 8 जो है वो लास्ट डिजिट है। 38 नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 8 है, और जो 3 है वो फर्स्ट डिजिट है। अब इवन नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 0, 2, 24, 6 एंड 38 आर इवन नंबर्स। एकदम क्लियर है, नो डाउट। अब चलिए ऑड नंबर को देखते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू इज एन ऑड नंबर। मतलब कि कोई भी नंबर जो टू से एग्जैक्टली डिवाइडेड ना हो उसको ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जैक्टली मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, उसको जब भी हम लोग टू से डिवाइड करेंगे उस नंबर को कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा। रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता है तब तो वो इवन नंबर होगा ना। तो रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो जाए वो नंबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। अब ऑड नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7 या 9, इन पांचों में से ही होगा और कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता। ये पांचों अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है तो समझ जाओ कि वो ऑड नंबर है। एग्जांपल देखें, 3, 1, 7 एंड 35 आर ऑड नंबर्स। और भी ऑड नंबर्स होते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल दिए हैं। अब क्या आता है इम्पॉर्टेंट नोट, चलिए देखते हैं। नंबर वन है, ऑड नंबर्स आर इन बिटवीन द इवन नंबर। मतलब कि हमेशा जो ऑड नंबर होते हैं उसके दोनों तरफ एक इवन नंबर होता है। जैसे कि अगर हम एक चार्ट को दिखाएं तो इवन एंड ऑड नंबर का चार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही तक है ना चार्ट। तो इसमें देखो जो 0 है वो इवन है और जो 1 है वो ऑड है। 2 इज ऑल्सो इवन, 3 इज ऑड एंड 4 इज इवन। तो अगर हम 1 को ले ले, 1 जो कि ऑड नंबर है, तो देखो उसके दोनों तरफ 0 और 2 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इवन नंबर प्लेस किया हुआ है, और बीच में कौन आता है ऑड नंबर। इसलिए कहा गया है कि ऑड नंबर हमेशा
इवन नंबर्स के बीच में होता है। एडिशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इस चार्ट में कोई भी रेड कलर से नंबर अगर लिखा है तो वो ऑड है, और अगर कोई ब्लू कलर से नंबर लिखा है तो वो इवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन। अगर हम किसी इवन नंबर को इवन नंबर से ही ऐड करते हैं तो एक इवन नंबर ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 4 = 6। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, और जो आया है आंसर हम लोग का ऐड करने के बाद वो भी एक इवन नंबर ही है, 6। इवन प्लस ऑड इक्वल्स टू ऑड। यहाँ पे 6 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, और आंसर क्या मिलता है, 9, यानी कि ऑड नंबर। तो इवन प्लस ऑड को ऐड करने से ऑड ही मिलेगा। फिर ऑड प्लस इवन इक्वल्स टू ऑड। इसमें भी एग्जांपल देखें, 5 + 12 = 17। समझ में ही आ रहा होगा, ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू इवन। एग्जांपल 3 + 5 = 8। तो 3 ऑड है, 5 भी ऑड है, और आंसर जो मिलता है वो 8, यानी कि इवन नंबर। अगर हम सब्सट्रैक्शन भी करने जाते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स का तो सेम ही होगा, यानी कि इवन माइनस इवन इक्वल्स टू इवन, इवन माइनस ऑड इक्वल्स टू ऑड, ऑड माइनस इवन इक्वल्स टू ऑड, ऑड माइनस ऑड इक्वल्स टू इवन। मैं सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल्स साइड बाय साइड डिस्कस कर लेती हूँ। 4 - 2 = 2, 6 - 3 = 3, 13 - 6 = 7, 5 - 3 = 2। तो समझ में ही आ रहा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन इंटू इवन इक्वल्स टू इवन होता है, इवन इंटू ऑड इक्वल्स टू इवन होता है, ऑड इंटू इवन इक्वल्स टू इवन होता है, एंड ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू ऑड होता है। इसका एग्जांपल्स मैं साइड बाय साइड बता देती हूँ। 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था जिससे कि इवन एंड ऑड का कोई भी प्रॉब्लम जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इजी हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक ऑड फैक्ट बताती हूँ, वो ये है कि एवरी ऑड नंबर्स हैज़ एन ई इन इट, यानी कि किसी भी ऑड नंबर में एक ई जरूर रहता है। स्टार्टिंग से देख ले, 1 इज़ अ ऑड नंबर तो देखो ई है, ओ एन ई 1, 3 इसमें भी ई है, 5 इसमें भी ई है, 7 इसमें भी ई है। इसी तरह अगर हम लोग जितना दूर तक भी काउंट करते जाए, जितना भी ऑड नंबर्स है चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें एक ई रहना कन्फर्म है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।